दोस्तों तारक मेहता सीरियल की बात करें तो हमें स्टार्टिंग से देखने को मिलता है कि शो में ना कोई भी परमानेंट कैरेक्टर आते नहीं है। नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कभी करवाया ही नहीं गया, जैसे कि सोसाइटी में रहने कोई आया ही नहीं है। अगर हम दूसरे सीरियल्स की बात करें इतने लंबे टाइम में तो वो पता नहीं सैकड़ों नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, लेकिन तारक मेहता शो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो है पोपटलाल का कैरेक्टर, जो कि थोड़े से बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप में से काफी लोगों को तो लगता होगा कि यार पोपटलाल का कैरेक्टर एपिसोड 1 से ही शो में है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से एपिसोड में आपको लगता है कि पोपटलाल की कैरेक्टर की एंट्री हुई होगी, तो आपके माइंड में आएगा 30, 40, 50 नंबर के एपिसोड से हुई होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। तो दोस्तों पोपटलाल की शो में एंट्री काफी इंटरेस्टिंग वे में हुई थी। उस टाइम पर यार बहुत ही बढ़िया एपिसोड देखने को मिलते थे, बहुत ही कॉमेडी होती थी हर एपिसोड में। तो जब पोपटलाल की एंट्री होती है तो वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, लेकिन उनको काफी इंटरेस्टिंग वे में सोल्व भी किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में आता है तो उसकी टेम्पो वाले से लड़ाई हो जाती है, फिर वो लड़ाई सोल्व हो जाती है तो उसके बाद जो है पोपटलाल के घर की चाबी नहीं मिलती तो पोपटलाल को बालकनी से उसके घर के अंदर किया जाता है, फिर उसका सारा सामान पोपटलाल के घर में रखवाया जाता है। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है वो भी। और दोस्तों क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार बोर हो रहे हैं तो क्या आपको देखना चाहिए। तो अगर आप तारक मेहता शो के फैन हैं, ओल्ड एपिसोड देखना पसंद करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोपटलाल की एंट्री देख सकते हो। काफी एंटरटेनिंग है, कुछ एपिसोड की ये स्टोरी है। लेकिन आप कैसे देख सकते हो? तो दोस्तों जो इसका एपिसोड नंबर है वो है 166, ये आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर ये वाला एपिसोड अवेलेबल नहीं है। आप सोनी लिव पर सर्च करके देख सकते हो तारक मेहता 166, तो आपको पोपटलाल की एंट्री वाला एपिसोड मिल जाएगा। फिर इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए आगे के एपिसोड भी देख सकते हो। तो दोस्तों घर में बैठे बैठे आपका सही टाइम पास हो सकता है ये स्टोरी देखने से। तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों ने ये वाली स्टोरी देखी है। क्या आपको पता था कि पोपटलाल की जो एंट्री हुई है वो 166 एपिसोड में हुई थी? तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं, जैसा कि आप घर में बैठ के बोर हो रहे हो, तो मैं आपको तारक मेहता की ओल्ड स्टोरीज के एपिसोड बताऊं कि यहां पर अवेलेबल हैं, कैसे आप देख सकते हो, कौन सा एपिसोड नंबर से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई स्पेसिफिक स्टोरी हो कि आपको देखनी है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका एपिसोड नंबर क्या था और कहां पर आप देख सकते हो, तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना दूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।